नंबर एक बात हम जानना चाहते हैं अजीत जी, अब पॉलिटिकल पार्टी तो काम करेगी, लेकिन जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं, जो स्वायत्त हैं, वो पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी। ये तो बड़ा मशहूर स्लोगन हुआ करता था वाजपेयी जी का, संस्थान रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। अब अगर सीबीआई या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो नया बना गठन हुआ, लेकिन सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सवाल तो उनसे ज्यादा पूछा जाना चाहिए कि भाई तुम एक व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल करते हो। अभी आप देखिए कि अजीत पवार और शरद पवार दोनों के खिलाफ केस फाइल है। अजीत पवार इसमें आ गए तो वो स्लो हो गया मामला, वहां पर का जो महाराष्ट्र की जो पुलिस थी वो जो जांच कर रही थी उसने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, फिर बाद में अभी इन्होंने ईडी ने अभी प्रोटेस्ट किया है, अभी रखा हुआ है मामला। लेकिन शरद पवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसी प्रकार से जो अन्य नेता हैं उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तीन तीन साल, चार चार साल, पांच पांच साल पहले जो आपने केस रजिस्टर किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बाद के केस को बड़ी तेजी से कार्रवाई हो रही है। तो इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पैरोट है, तो ये पैरोट ही है। ये सवाल तो पॉलिटिकल नेताओं से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पर पूछा जाना चाहिए कि वो इतना पंगू, इतना लाचार कैसे बन गया है, वो क्यों बन रहा है। आशुतोष जी, पहले तो आपने एक स्टेटमेंट दिया, तो हम अपने रीडर्स को क्लैरिफाई कर दे। आपने कहा कि ईडी अभी रिसेंटली बना है, ये गलत है। ईडी 1 मई 1956 में बना, सीबीआई के पहले, याद रखिएगा, 1 मई 1956, और सीबीआई बना है गठन की बात नहीं कह रहा था, मैं कहना चाह रहा था ईडी को जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार भी पहले था। नहीं, अधिकार भी पहले था, उतना ही था जो आज है ईडी का। ईडी का पावर्स नहीं बढ़ाया गया है, वो नहीं हुआ है। 2014 से ईडी को पॉलिटिकल फुटबॉल बना दिए हैं। पहले ईडी इंडिपेंडेंट फोर्स था, अपना इन्वेस्टिगेशन करता था, उसका रिकॉर्ड जो है केसेस में जनरली बहुत अच्छा नहीं रहा, बट और उसके पास जो नंबर ऑफ ऑफिसर्स थे वो कम थे। पर आप शायद भूल रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के जो मालिक थे समीर जैन के फादर अशोक जैन, उनके अगेंस्ट भी जब बेजबड़ुआ नाम का जो ईडी डायरेक्टर था तो केस किया हुआ था, जो बाद में ह्यूमन राइट्स का इश्यू बन गया था। तो ईडी का पहले भी सरकार ने यूज किया है। मैं ये कह रहा हूं अब 2014 से ईडी का मिसयूज हो रहा है, सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, और ये जो पूरा एक्सप्रेस की जो स्टोरी है। मैं ये कह रहा हूं कि 2014 से मिसयूज नहीं था, मिसयूज के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको भी मिसयूज कर रही है, पिछली सरकारें भी करती रही है, ऐसा ना कहिए, पिछली सरकारें भी करती रही है ना मिसयूज। नहीं, सीबीआई का आशुतोष जी, ये जो हम लोग स्टोरी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का, जो कि क्लियरली कह रहा है 2014, क्यों कह रहा है 2014, क्योंकि मोदी जी पावर में आए, एनडीए पावर में आया, तो ये एक्सप्रेस का जो स्टोरी है इसका पर्सपेक्टिव क्या है कि यस, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। हाँ, ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है 2014 से, वही ये प्रूव कर रहा है सिंपली बाय पुटिंग द नंबर ऑफ लीडर्स, ऑपोजिशन लीडर्स जिसको अरेस्ट किया गया है एलिजेडली, बिकॉज ये प्रूव्ड नहीं है, पर जिसके अगेंस्ट केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग का हो, कोई और हो, करप्शन का हो, तरह तरह का केसेस, उसमें यदि वो ऑपोजिशन में रह गए तो उनके खिलाफ केस को मजबूत कर दिया जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, और जब वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है, जैसे कि ये स्टोरी क्लेम कर रही है, तो उस केस में उस केस को या तो विड्रॉ कर दिया जाता है या कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि ईडी और सीबीआई आर नॉट फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली एनीमोर, दे आर बीइंग रन बाय द एनडीए गवर्नमेंट, दे आर बीइंग मिसयूज्ड बाय द एनडीए गवर्नमेंट, और ये एविडेंस है, ये जो हम स्टोरी जो हम
भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।